हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे वन वर्ड और ईडियम का सेशन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट वन वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरी क्लासेस की डिटेल्स की ये है, ये सारी क्लासेस जो है वो मैं ले रहा हूँ वन वर्ड और ईडियम जो है वो आपको हाँ जी इधर आ जाओ, है ना। तो वन वर्ड और ईडियम जो है वो आप लोगों को यहाँ पे सुबह 6:30 बजे मिलती है, ब्लैक बुक वोकैबुलरी सुबह 8:30 पे, और 9 बजे जो है वो एसएससी ऑल एग्जाम्स इंग्लिश ग्रामर हो रही है। इसके अलावा ये वाली क्लासेस जो है वो अनअकैडमी पे है, तो आप मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पे। फॉलो करेंगे तो मेरी स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे ना। तो सर्च का ऑप्शन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के, वहां पे मेरा नाम सर्च करेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, है ना। तो दोस्तों बेसिकली करना क्या है, आप लोगों को फॉलो कर लेना मुझे, एंड इस क्लास की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें, राइट। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या। तो दोस्तों आज का हमारा जो वन वर्ड का पहला वर्ड है वो है पल्पेबल, और पल्पेबल का मतलब होता है थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, है ना। तो ऐसी चीज जिसे फील किया जा सकता है, है ना, टच किया जा सकता है, स्पर्शनीय जो है वो आपके पल्पेबल कहलाती है, जिसे देख करके टच करके आप महसूस कर सकते हो, राइट, वो आपके पल्पेबल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आसान वर्ड है पल्पेबल, और इसकी ट्रिक से भी मैं कई बार इसको सिखाता हूँ कि एप्पल जो है वो सड़ा हुआ एप्पल पल्पेबल है, साफ साफ नजर आ रहा है, देख करके टच करके पता चल रहा है कि एप्पल जो है वो आपके सड़ा हुआ है ना। तो ट्रिक के थ्रू भी कई बार मैं ये वर्ड याद कराता हूँ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पल्पेबल। दूसरा जो हमारा वर्ड है ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, वर्ड है आप लोगों के सामने प्लाजियरिस्ट, है ना। ये वो पर्सन होता है जो बेसिकली कॉपी करता है दूसरे राइटर्स के थ्रू, जो है कॉपी करता है दूसरे राइटर्स को, और जो है वो उनके साहित्य काम को जो है वो आपके कॉपी करता है ना। सो दूसरों ने, किसी ने मान लो कोई आर्टिकल लिखा है, किसी ने कोई नॉवल लिखा है, किसी ने कोई बुक लिखी है, तो उसमें से कॉपी पेस्ट करके चुरा करके उसने छाप दिया, तो वो आपके क्या हो गया, प्लाजियरिस्ट हो गया। मतलब उसने बेचारे ने मेहनत करी, कुछ आर्टिकल लिखा और उसने कॉपी पेस्ट करके मार दिया। तो ये जो साहित्यिक चोरी जो करने वाले लोग होते हैं वो प्लाजियरिस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज का हमारा ये दूसरा वर्ड है। तीसरा हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है ओलिगार्ची, और देखो ये बेसिकली शासन अलग अलग, क्रेसी और आर्ची, ये दो वर्ड जो है ये बेसिकली रूट वर्ड होते हैं आर्ची और क्रेसी, अलग अलग लोगों के शासन के लिए, है ना। अलग अलग लोग जो जिनका शासन होता है ना, जिनकी सत्ता होती है, जिनकी सरकार होती है, जिनकी गवर्नमेंट होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्ड्स होते हैं आर्ची और क्रेसी, है ना। जैसे ऑटोक्रेसी आपने सुना होगा, ऑटोक्रेसी एक का शासन होता है सब आपके, है ना। डेमोक्रेसी आपने सोचा होगा, सुना है, वैसे आपके ओलिगार्ची भी होता है ना, आर्ची से रिलेटेड। तो जब मान लो एक छोटा सा ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप अगर मान लो लोगों पे शासन करता है ना, 5-10 लोगों का जो है वो बेसिकली ग्रुप है जो बेसिकली किसी कंट्री को रूल कर रहा है ना, उसकी गवर्नमेंट है, वो लोगों को रूल करने का काम कर रहा है, तो वो आपके ओलिगार्ची कहलाता है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आपके ओलिगार्ची कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है दोस्तों प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, है ना। तो ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर प्रे करता है, राइट, दरिंदा हम उसे बोल सकते हैं, प्रीडेटर हम बोल सकते हैं। एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स को खा करके, उनका शिकार करके, प्रे का मतलब होता है शिकार करना, है ना, उनके ऊपर फीड करता है, वो आपके प्रीडेटर कहलाता है। दरिंदा तो आपके नहीं है इसका सही मीनिंग, बट यही समझ सकते हैं इसको कि ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके शिकार के ऊपर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए, वो प्रीडेटर कहलाता है ना। चलो नेक्स्ट आप लोगों के सामने वर्ड है दोस्तों इस्थमस, जिसका मतलब होता है अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, ठीक है। अब इसको इमेज के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, इस वर्ड को इमेज के थ्रू आप ज्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। देखते हैं इमेज क्या है। तो वर्ड आप लोगों के सामने है, ठीक है, हाँ जी, है ना। तो इमेजेस हम देखते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी ये चीज। ये देखो, ये देख लो भाई, है ना, इस तो मैं सबके ये कहलाता है,
दो जो लार्ज बॉडी है वाटर की, राइट, पहले वर्ड को समझ लो उसके बाद में इसको समझना, ठीक है, वर्ड को समझ लो, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, तो दो वाटर की जो बड़ी बड़ी दो बॉडीज है, मतलब दो वाटर, मतलब कोई भी आप मान लो वाटर बॉडी से मेरा मतलब होता है वाटर का पानी की दो नेचुरल जो है वो आपके जो आपके नदियां मान लो, कोई भी पानी का कोई सोर्स मान लो, प्रकृति का दो बड़े बड़े सोर्सेज है पानी के, उनको आपस में जोड़ने का काम जो जमीन कर रही है वो आपके क्या कहलाती है, वो आपके स्तमस कहलाती है। तो इमेज हम यहाँ पे देख लेंगे सब आपके, है ना, तो ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये भी स्तमस हो गया, ये देखिए, ये देखो, ये इमेज देख लो, देखो ये देखो, दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने वाली ये बीच में जो नैरो स्ट्रेच है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, और बीच में जो है ये आपके क्या हो गया, स्थमस हो गया ना। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, है ना, ये इमेज देख लो, इस इमेज से आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है, चलो जी, है ना। और देखो ये एक और है आपके सामने, द स्थमस ऑफ पनामा, इसको देखो, है ना, ओहो ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये देखो ये कोई आर्टिकल ही खुल गया, है ना। चलो तो ये देखो, ये बेसिकली ये पानी की दो बड़ी बड़ी बॉडीज है, और ये जो एरिया जो है ये बेसिकली जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये आपके क्या हो गया, ये इस्थमस हो गया, राइट, पनामा नहर पे जो है ये आपके इस्थमस, है ना। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वर्ड, है ना। कभी कभी इमेजेस भी हमें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पांच वन वर्ड थे, पांचों को हम एग्जाम्पल सेंटेंस में मैच करेंगे, तो देखते हैं तीसरा क्या है आपके सामने, द रियल डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डेमोक्रेसी इज वेल्थ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, डेमोक्रेसी, यानी कि किसी शासन के बारे में बात हो रही है, तो तीसरे में आपके ओलिगार्ची आ जाएगा, है ना, कि जो ओलिगार्ची और डेमोक्रेसी में जो डिफरेंस है वो वेल्थ का है, कि वेल्थी लोग होते हैं ना वही ओलिगार्ची को लीड करते हैं, वही छोटे ग्रुप को लीड करते हैं, बिकॉज द वुल्फ इज अ प्रीडेटर, तो वुल्फ आपके क्या है, प्रीडेटर है, तो चौथे में आपके प्रीडेटर आ जाएगा। द डैश ऑफ पनामा जॉइंस नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये देखो पनामा इस्थमस के बारे में बात अभी अभी हमने इमेज देखी, और वही एग्जाम्पल सेंटेंस है कि पनामा का जो इस्थमस है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ने का काम करता है, राइट। पहला सेंटेंस है, देयर वाज अ डैश टेंशन इन द एयर एज कंटेस्टेंट वेटेड टू सी इफ दे वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द कंटेस्ट, है ना। सो देयर इज अ पल्पेबल टेंशन, मतलब साफ साफ नजर आ रही है ऐसी टेंशन जो विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, पल्पेबल वर्ड का प्रयोग करेंगे। सेकेंड है, द रिपोर्टर वॉज शोन टू बी ए लायर एंड अ प्लाजियरिस्ट, रिपोर्टर क्या निकला, झूठा, लायर निकला, प्लाजियरिस्ट निकला, कॉपी करता है दूसरों के कंटेंट को, है ना। सो एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से फिट बैठता है, सूट बैठता है ना। अब बढ़ते हैं idioms की तरफ, देखते हैं आज की हमारी पहली idiom कौन सी है। तो दोस्तों आज की हमारी पहली idiom है हेल्टर स्केल्टर, जिसका मतलब होता है डन इन अ हरी एंड इन अ वे दैट लैक्स यूनिटी, है ना। तो जल्दबाजी में कोई चीज की जाए और जो जिसमें यूनिटी नहीं हो वो आपके क्या कहलाता है, हेल्टर स्केल्टर कहलाता है ना। क्लोथ्स वर स्कैटर्ड हेल्टर स्केल्टर, है ना, तो स्कैटर्ड किए गए, है ना, और जल्दबाजी में जो है वो क्लोथ्स को इधर उधर फेंका गया, हेल्टर स्केल्टर मतलब जल्दबाजी में कोई एक्शन किया गया ना, बिना यूनिटी के, मतलब एक सोच समझ के जब आप काम एक्शन करते हो, तरीके से करते हो, तो वो एप्पल पाई ऑर्डर होता है, और जब आप फेंक रहे हो इधर उधर तो वो आपके हेल्टर स्केल्टर हो गया ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है वेरी क्विकली इन लार्ज अमाउंट्स, है ना। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, कि हमारा जो देश है वो आपके दिन दुनी रात चौगनी जो है वो आपके प्रोग्रेस कर रहा है, तो वेरी क्विकली, कोई बहुत स्पीड से कोई एक्शन हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो बहुत स्पीड से हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लीप्स एंड बाउंड्स idiom का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने दोस्तों हरक्यूलियन टास्क, और ये एक ऐसा टास्क होता है जिसके अंदर बहुत अधिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है। स्ट्रेंथ ताकत हो गई, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो गया, एफर्ट आपके प्रयास हो गए। तो एक ऐसा कार्य जिसके अंदर बहुत अधिक ताकत, दृढ़ निश्चय और प्रयासों की जरूरत हो वो हरक्यूलियन टास्क कहलाता है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, इट वॉज अ मैटर ऑफ हरक्यूलियन टास्क फॉर हिम टू बी सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक गेम्स, है ना। तो ओलंपिक गेम्स के लिए सिलेक्ट होना उसके लिए कैसा टास्क था, एक हरक्यूलियन टास्क था, बहुत ही जो है वो टफ, डिफिकल्ट जो है वो आपके टास्क था सब आपके, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट idiom की तरफ, जो कि है गॉट द सेक, जिसका मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब। तो एक जॉब से डिसमिस हो जाना गॉट द सेक कहलाता है, रवि गॉट द सेक टुडे, इज ऑलवेज लेट, है ना। तो रवि जो है वो हमेशा लेट है
हमेशा लेट ही रहता है सब आपके, ही गॉट द सेक टुडे, मतलब वो पूरी तरीके से जो है वो आपके डिसमिस हो गया आज अपनी जॉब से, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके idiom की तरफ जो कि है put up with, जिसका मतलब होता है to accept somebody something that is annoying, unpleasant without complaining. तो किसी चीज को accept करना, somebody something जो कि annoying है, unpleasant है और बिना complain के है, वो आपके put up with कहलाता है. I cannot put up with your constant complaining any longer. जो आप लगातार जो है वो constantly जो आप एक दूसरे के साथ आप जो कॉन्स्टेंटली जो कंप्लेन कर रहे हो उसको मैं और अधिक जो है वो आपके उसको मैं और अधिक पुटअप नहीं कर सकता, उसको और अधिक मैं बियर नहीं कर सकता, ना। तो एक्सेप्ट समबडी समथिंग दैट इज अनोइंग, कोई ऐसी चीज जो कि अनोइंग है, राइट, उसको एक्सेप्ट करना, अनप्लीजेंट है उसको एक्सेप्ट करना बिना कंप्लेन के क्या कहलाता है, पुटअप विद कहलाता है, राइट। आसान है, आसान आपके ईडीएम में ये भी, है ना। चलो जी, है ना, बियर भाई और अधिक मैं तुम्हें नहीं झेल पाऊंगा, और अधिक बियर नहीं कर सकता हूँ, सहन नहीं कर सकता हूँ, ना। So, दोस्तों आज के हमारे idiom फटाफट से आप लोगों को मैं रिवाइज करा देता हूँ। हेल्टर स्केल्टर जल्दबाजी में किया हो गया, डन इन हरी, लीप्स एंड बाउंस, दिन दुनी रात चौगनी, हरक्यूलियन टास्क, डिफिकल्ट टास्क, गुड गॉट द सेक, डिसमिस हो जाना, और पुट अप विद मतलब सहन करना, है ना। चलो जी, है ना, तो ये आज के हमारे दोस्तों वन वर्ड और idiom थे। रेफरल कोड दोस्तों मेरा हर्ष लेव है ना, आप चाहें तो इस रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेहतरीन जो है वो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ में बहुत ही बेहतरीन शेड्यूल्स के साथ में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा दोस्तों, है ना। तो जाइए और आज ही अपनी कैटेगरी को चूज करिए, कैटेगरी को चूज करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में प्लान चूज करें, 12 महीने का प्लान चूज करेंगे, रेफरल कोड लगाएंगे हर्ष 11, तो आपको इंस्टेंट जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो जाइए और इस रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। सो 200 से ज्यादा एजुकेटर्स जो है वो इस कैटेगरी के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, राइट। बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है, पर्सनल इंट्रैक्शन और पर्सनल गाइडेंस टीचर का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे इसका फायदा उठाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन का, उनको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, जो उनकी वीकनेस होती है पूरी जर्नी में, कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने में जो जहां जहां वो लैग कर रहे होते हैं, वो पर्सनल गाइडेंस उनको टीचर से 100% मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ को कमेंट बॉक्स के अलावा आप इस टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, कल मिलेंगे इसी सेशन में, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।